यानी नॉमिनेशन चल रहा है। नॉमिनेशन का मतलब हुआ है नॉमिनेशन माने यही लड़ेगा इलेक्शन, मांग रहा परमिशन, और अगर हो गया सेलेक्शन जम के करेगा दोनों हाथ से कलेक्शन, यही है उसका मिशन। तो इसका एकमात्र मिशन दे दो परमिशन, हो रहा नॉमिनेशन, और कितना तारीख जहिया चुनाव होगा समझो होगा उसका एग्जामिनेशन, अगर पास हो गया तो जम के करेगा कलेक्शन। और ये देखिए मतदान क्या कहते हैं, मतदान देखिए मतदान क्या है, हमारी जनता जो बेचारी एकदम है नादान, हम जनता के तरफ से बोलते हैं जनता है नादान, और उसका देखिए जनता का कितना अच्छा खानदान, जीवन भर तरह तरह से करता है दान, कभी अन्नदान, गोदान, भूदान, वलदान, कन्यादान, रक्तदान यानी बलिदान, और तरह तरह से होता है, टैक्स देते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, दवाई खरीदते हैं, हर चीज़ में टैक्स देते, वो भी है दान। और 5 साल में आता है मतदान, रहते हैं सावधान, सोच समझ के करते हैं दान, लेकिन फिर भी गलती से जिसको ज़्यादा मिल गया दान वो कहता है 5 साल के लिए मिल गया हमको लूटने का वरदान, वो खा पी के हो गया धनवान, बलवान, पहलवान, कहता हम ही है भगवान, वो पूरा करता अपना अरमान, और उसको हो जाता है ज़्यादा अभिमान, और पंचायत भवन को बना देता है बेईमानों का दुकान। इसीलिए वैसे वैसे आदमी का करिए पहचान, वैसे वैसे आदमी करिए पहचान, कौन बना देता है बेईमानों का दुकान, उसको ज़्यादा हो गया अभिमान, उसका लूट लीजिए डुगडुगिया बजा के घर का सारा सामान, और बांट दीजिए जहाँ बेचारा मजदूर किसान, या जहाँ हो रहा किसी का बेटी कन्यादान, और अगर तेरी मेरी करे उठा के डाल दीजिए, यहाँ बड़का बड़का है पत्थर खदान और कोयला खदान, यही है समस्या का समाधान, खत्म हो जाएगा धरती से ये बेईमान, तो बचेगा ये भारत का संविधान।